नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10 दिनों से तेंदुआ के डर से लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास तेंदुआ दिख जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस और वन विभाग की टीम ने घंटों घेराबंदी के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई है। हाल की टीम उसे सुरक्षित पकड़ने और किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके इसके लिए नजर बनाए हुए है। दरअसल जिले में पिछले 2 सप्ताह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे एरोला में तथा कथित तेंदुआ दिखे जाने की सूचना आ रही थी, लेकिन सुबह ग्रामीणों ने देखा कि एक तेंदुआ नयपुरा स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टनल नंबर 229 में कुत्ते को मारकर टनल में घुस गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना तुरंत पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर तहबरपुर और कंदरापुर की पुलिस पहुंच गई। देखते ही देखते वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के रेंजर निखिल त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सबसे पहले हम लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा तथा कथित तेंदुआ पुलिया के अंदर घुसा हुआ है। पुलिया को एक तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और दूसरी तरफ से पिंजरा को लगा दिया गया है। इसको पकड़ने में हमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तेंदुआ को पकड़ते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी को कोई जान माल का नुकसान ना हो और सुरक्षित रूप से उसे पकड़ लिया जाए। उसे पकड़ के लाने के लिए वन विभाग और पुलिस टीम संयुक्त रूप से लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने संभावना जताया कि हो सकता है कि वह टिटोरियल क्षेत्र या पूर्वांचल क्षेत्र के बलरामपुर से आया हो, लेकिन ये जांच का विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसे सुरक्षित पकड़ लिया जाए। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि सुबह यहां पर तेंदुए की होने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम के साथ कई रेंजों की टीम यहां सुबह से ही मौजूद है और किसी को कोई हानि न पहुंचा पाए इसके लिए एक्सप्रेसवे के नीचे जो पाइप है उसको एक तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि किसी को भी तेंदुआ नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि पिछले 10 से 12 दिनों से वन विभाग को किसी जानवर के घूमने की सूचना मिल रही थी, लेकिन कन्फर्म नहीं था कि वह तेंदुआ ही है। धीरे धीरे कई थाना क्षेत्र से कुछ वीडियो और फोटोज हमारे पास आए, तब जाकर कन्फर्म हुआ कि यह तेंदुआ ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कहीं पर भी इसके द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो हम लोगों का भी ये प्रयास है कि सेफ पैसेज दिया जाए या अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी आजमगढ़ रेंज आजमगढ़ से हूँ। अच्छा नरेंद्र साहब, ये लेपर्ड तेंदुए की बात आ रही है, कब से है और कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या है पूरी कहानी? ये लेपर्ड की सूचना सुबह मिली थी। सूचना मिलने के बाद हमारे वन विभाग की टीम, आजमगढ़ के कई रेंजों की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है सुबह से ही, और लेपर्ड बाहर ना जा पाए, किसी जनता को नुकसान ना पहुँचा पाए इसके लिए जो एक्सप्रेसवे के नीचे पाइप है इसको एक साइड से बंद कर दिया गया है, दूसरे साइड पे पिंजरा लगा दिया गया है कि मतलब जब भी पिंजरे में आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। यही सबसे सुरक्षित तरीका है कि ना जनता को नुकसान होगा ना जो भी जानवर है उसको नुकसान नहीं होगा। काफ़ी दिनों से घूमते हुए इधर देखा गया, तो क्या इसके द्वारा कोई हानि या कोई जनहानि इस तरीके की? नहीं, मतलब पहले हम वन विभाग को इसकी कन्फर्मेशन नहीं था कि ये लेपर्ड ही है, पर ये था कि जंगली जानवर है। पिछले 10-12 दिनों से कहीं यहाँ कहीं वहाँ जानकारी मिल रही थी, कहीं अहरौला रेंज में, कहीं आजमगढ़ रेंज में, कहीं और भी दूसरी जगहों पे, पर कन्फर्म नहीं हो रहा था कि क्या है। पर धीरे धीरे मतलब कुछ फोटोग्राफ कुछ वीडियो हम लोग के पास आए उससे लगभग में कन्फर्म हो रहा है कि ये लेपर्ड ही है। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसलिए शुरू में हम लोग का भी मतलब प्रयास था कि अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है तो इस हो सकता है इसको सेफ पैसे दिया जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर कहीं पहुंच जाए जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको पकड़ने के लिए नहीं थे, हमारा था कि खुले में मतलब इसको प्रयास किया जाए कि ये सुरक्षित स्थान पे अपने आप पहुंच जाए, किसी को नुकसान भी ना करें। ठीक, क्या नाम है? जी, मेरा नाम निखिल द्विवेदी है। निखिल साहब, ये बताइए कि क्या टेक्निकलिटी आप लोग क्या उपाय लगाए, जैसा कि रेंजर साहब ने बताया है जी, आप लोग इसको किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे और सही सलामत हो जाए? जैसे कि हमारी प्राथमिकता है जो भी लेपर्ड है तथा कथित लेपर्ड इसको पकड़ने का। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना आए, इसलिए हमने इस पुलिया को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया है, उधर से दूसरी तरफ हमने पिंजरा लगा दिया है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस। इसमें हमें धैर्य के साथ, मुझे एक से दो दिन, तीन दिन, जितना दिन भी लगेगा, हमारी विभाग की टीम और साथ में पुलिस विभाग की टीम, हम लोग साथ में मिल के काम करते रहेंगे और जिससे कि सुरक्षित रूप से जानवर को भी पकड़ा जा सके और उसके पश्चात यहाँ पर भी किसी को भी नुकसान ना हो। इसलिए आजमगढ़ वन विभाग की टीम पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर लगी हुई है और हमें विश्वास है कि जल्द ही जल्द हमें सफलता मिलेगी। चारों को तो सूचना मिल गई है, जो ये रेंज है, ये इलाका है, इस इलाके में कोई इस तरीके से लेपर्ड या तेंदुआ का नहीं था, ये कहाँ से कैसे आ सकता है, इसकी क्या संभावना है? देखिए, इसकी संभावना है कि आसपास के टेरिटोरियल क्षेत्र से ये इसकी आने की संभावना है, या तो ये पूर्वांचल में बलरामपुर की साइड से भी आ सकता है, या दूसरी, ये अभी जांच का विषय होगा बाद में। अभी प्राथमिकता पे हमारे जानवर को पकड़ना है, इसके बाद ही हम इस सब चीज़ों पर बाद में विचार कर सकते हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।